दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। दो प्रमुख मुद्दों को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक के है पीटीआई भर्ती 2018 जो बीकानेर में एक महीने से ज्यादा दिनों से धरना चल रहा है नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर। दूसरा मामला एनडीसी भर्ती 2018। मैं सर्वप्रथम पीटीआई भर्ती 2018 को लेकर चर्चा करना चाहूंगा कि मैं जो मेरे वीर जाबा साथी जो बीकानेर में धरना दे रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष अंतिम चरण में है। हालांकि जहां जहां आवश्यकता हुई वहां वहां आपका भाई आपके साथ रहा, और फिर एक बार 2 दिसंबर को मैं आपके बीच में रहूंगा। इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन अभ्यर्थियों को जो पास हो गए हैं और नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और घर बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि रजाई से निकलिए और बीकानेर 2 तारीख को पहुंचिए, क्योंकि 2 तारीख से पहले हमें आश्वासन दिया गया है कि 30 तारीख तक जिला आवंटन कर दिए जाएंगे। क्योंकि जो हमारे जो वहां सक्रिय कार्यकर्ता मजबूत इस पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थी, वो जो स्तंभ हैं जो लगातार संघर्ष करे, संतोष पुनिया जी हैं, लीलाधर गुजर जी हैं, इसके अलावा जय सिंह जी हैं, और भी जो जयपुर आने के बाद चाहे जितेंद्र रोलानिया जी है, चाहे गोपाल चौधरी है, तमाम वो अभ्यर्थी लगातार मेहनत कर रहे हैं संघर्ष कर, और भी है पिंटू भी है तमाम, क्योंकि कई लोगों का नाम नहीं लूती, ये ना सोचे कि हमारा नाम उपेन जी नहीं लिए, क्योंकि संघर्ष सब लोग कर रहे हैं। जिनका नाम मुझे याद था मैंने बता दिया, संघर्ष आपका लाजवाब है। हालांकि जो प्रतिनिधि मंडल अभी उपनिदेशक से मिलकर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था 25 तारीख तक तो अभी 2-3 दिन और जो विकल्प पत्र जिला आवंटन के लिए बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 116 से ज्यादा एक जो भी कुछ फॉर्म आने हैं उसके बाद थोड़ा समय और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 30 तारीख को जिला आवंटन हो जाएंगे। तो दोस्तों जिस 30 तारीख तक यदि जिला आवंटन होता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं जिला आवंटन जल्द से जल्द हो। यदि नहीं होते हैं तो दोस्तों जिला आवंटन के बाद काउंसिलिंग और नियुक्ति भी एक दो प्रक्रिया है जिससे आप लोगों को गुजरना होगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप स्कूलों में नहीं चले जाओ, आपकी नियुक्ति नहीं हो जाएगी, जब तक संघर्ष करना होगा। तो मैं तमाम साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, पहले भी मैं आपके बीच में 1 तारीख को गया था, जयपुर से निकला था आप लोगों के लिए, और फिर वहां बीकानेर से आवाज आई, मेरे पास कॉल आया कि आपको आना है, तो मैंने आप लोगों से वादा किया था जब जब मुझे याद लोगे आपके बीच में रहूंगा, चाहे लाठीचार्ज से मैं हॉस्पिटल का वहां पूछने की बात हो, चाहे मंत्री जी के घर सुबह जल्दी जाने की बात हो, चाहे अधीन स्कूल जाने की बात हो, चाहे सीएमओ में आपकी बात रखने की बात हो, और चाहे मुझे बीकानेर जाने की बात हो, जब जब आपने याद किया मैं आपके साथ था। लेकिन मैं उन नौजवानों से जो पीटीआई बनने के सपने देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, केवल कुछ कदम दूर आपकी मंजिल है, आप घरों से निकलो, एक दिन अपनी ताकत दिखाओ, ताकत के आगे आपकी जो जीत होगी। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, जो समय व्यर्थ में गवा रहे हैं आपके जो प्रक्रिया पूर्ण करने में, उन पर दबाव बनेगा। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है, मैं पीटीए का चयनित अभ्यर्थी नहीं हूं, लेकिन आपकी पीड़ा देखते हो, आपकी आवाज उठाने के लिए मैं खुद 2 दिसंबर को बीकानेर में रहूंगा। तो कम से कम आप लोग अपनी नौकरी के लिए तो आ सकते हैं, संतोष पुनिया जी को, लीलाधर जी को, जितेंद्र रोलानिया जी को, और जो महेंद्र को, और जो जय सिंह जी को, और जय पिंटू को, और गोपाल, इनको थोड़ी नौकरी चाहिए जो वहां बैठे हैं और भी उनके साथी बैठे हैं, नौकरी तो सबको चाहिए ना। आप लोग जितना जल्दी आप परिसर बनाओगे, जितनी सदस्य संख्या होगी, जितनी जल्दी आपकी जॉइनिंग मिलेगी, अन्यथा अटकाने वाले, भर्ती को अटकाने वाले बहुत लोग हैं, भर्ती अटकी, आपके सपने अटके, रोते रहना, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप मंजिल के करीब, फिर आप बहुत रहोगे कि आप मंजिल के करीब पूछ के वापस आगे जो वापस पूछने में बहुत समय लग जाएगा, सालों गुजर जाएंगे। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि मैं खुद 2 तारीख को आपके बीच में आ रहा हूं, तो आप खुद भी घरों से निकले, 2 तारीख को ज्यादा ज्यादा संख्या पूछे। मेरे सुनने में आया कुछ 25 तारीख को भी कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि 25 को जाने के बाद वहां रुके, वो आपको 2 तारीख तक रुकना, क्योंकि हम 30 तक इंतजार कर रहे हैं, जो उन्होंने टाइम लाइन हमें दी 30 तक इंतजार, नहीं तो फिर 25 तारीख को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, पूरी ताकत दिखाई जाएगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या अपने भविष्य के लिए, अपने माँ बाप के सपना पूरा करने के लिए, अपने लिए आप पहुंचे, क्योंकि आपका सपना साकार तभी होगा जब आप जागोगे। इसलिए ये ना हो कि आप फिर से आपकी भर्ती उलझ जाए, जो सपने देख रहे हैं कि आप उलझाना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं, फिर लटक जाओगे, फिर आपके सपने साकार नहीं होंगे, और फिर इस जो जमाना है जिसमें बेरोजगार को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, दर्द की ठोकरें खानी पड़ती है, आप अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हो तो 2 तारीख को पूछे, मैं खुद आप लोगों के लिए आ रहा हूं, तो इसलिए घरों से निकले, 2 तारीख को बीकानेर पूछे, मैं भी आपको वही मिलूंगा। इसके अलावा एनडीसी भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों जहां जहां आवश्यकता पड़ी है, ये आप मेरी फेसबुक आईडी उठा के देख सकते, तमाम मुझे सफाई देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुछ लोग
कुछ रोगों की दुकानें बंद हो रही, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो अफवाह फैलाते हैं, कुछ नहीं जाके ये करते हैं। दोस्तों मैं लगातार जो चेयरमैन साहब है वेद जाटाऊ जी, मेरी खुद की बातों में फोन में बात करता हूँ, जो कुछ लोग वीडियो में सुनाते हैं आप सुना दीजिए, जाटाऊ जी बहुत अच्छे चेयरमैन साहब है, उनसे मेरी बात होती है, कॉल करता हूँ, मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मेरे फोन पे बात हो जाती है, सचिव मोदी जी से बात हो जाती है, वो बहुत अच्छा अधिकारी है। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होती है कि जो उनके हाथ में नहीं होता है, उन्होंने कहा कि हम कैसे करवाएं, हमारे पास कर्मचारी नहीं है, हमने वहां पत्र भेज दिया है, हमने रिमाइंडर भेज दिया है, अब वो आगे की प्रक्रिया आप कोशिश करिए। मैं सचिव साहब से मिला तो सचिव साहब ने मुझे कई बार कहा था कि आप आगे कोशिश करिए, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों आगे फिर मैं खुद सचिवालय गया हूं, मैंने भाग दौड़ की है, आप लोगों के लिए प्रयास किया, प्रयास सफल भी हुआ है। अभी 29 तारीख जो अभी फिक्स की गई है, 29 तारीख जो पीटीआई भर्ती को सॉरी एलडीसी भर्ती 2018 के जो दस्तावेज सत्यापन को लेकर फिक्स की गई है, इसमें जो 5 डिपार्टमेंट है, जो शिक्षा विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, एआर है, जो 5 डिपार्टमेंट है उनमें से किसी एक को जिम्मेदारी दी जाएगी, दस्तावेज सत्यापन ये करेंगे, मुख्य सचिव साहब फैसला करेंगे, और जो 29 तारीख को मीटिंग होगी वो 25 या 26 तारीख तक उसके लिखित में आदेश भी जारी होंगे। अभी जो प्रस्तावित मीटिंग है वो 29 तारीख है, 25 या 26 तारीख को लिखित में आदेश भी जारी होगा, उसी मीटिंग में तय कर दिया जाएगा कि ये विभाग दस्तावेज सत्यापन करवाने का काम करेगा, और फिर वो विभाग आदेश जो निकाल देगा कितनी तारीख से दस्तावेज सत्यापन होगा। जितना सहयोग मुझे होना मैंने किया है, भाग दौड़ किए, मुझे नया वाईवाई चाहिए, नाम चाहिए, क्योंकि एलडीसी भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया, भ्रमित किया गया, और उन लोगों को मुझसे दूर रखा गया, क्योंकि मेरी थोड़ी सी गलती ये थी कि मैंने आप लोगों के लिए कभी पर्सनल वीडियो नहीं डाला, लेकिन मैंने पर्सनल भाग दौड़ किए, सीओ में मुख्य चेयरमैन साहब आए, सचिव साहब आए 9-10 तारीख को, उसके बाद मैंने लगातार मीटिंग आपको अपडेट दी है, लगातार आपकी आवाज उठाई है, और पहले जो 4 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री से मिले, 7 मार्च को आपका परिणाम आया, तब भी आपकी आवाज उठाई, आपका परिणाम भी आया, हर जगह सहयोग किया, और 2 दिन तक सब लोग घर बैठे थे, मैं चेयरमैन साहब से बात हो रही, सचिव साहब से बात हो रही, लेकिन इनके इनके जो पक्ष में था उन्होंने काम किया, लेकिन आगे का पक्ष सचिवालय का था कि वहां से कुछ हो, तो वहां भाग दौड़ करके सचिवालय ने आप लोगों के लिए कोशिश की है, जिसका परिणाम आया कि 29 तारीख प्रस्तावित है, उस दिन आपका फाइनल फैसला हो जाएगा किस विभाग को दस्तावेज सत्यापन करवाने। दोस्तों दस्तावेज सत्यापन के बाद हालांकि जो फैसला सुरक्षित है वो ओपन होगा, उसके बाद आपकी नियुक्ति प्रक्रिया होगी, लेकिन जहां तक वो ओपन होगा उससे पहले आपका और प्रक्रिया संपूर्ण हो जानी चाहिए, इसलिए एलडीसी भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूंगा, भ्रमित ना हो, मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी हूं, हमेशा रहूंगा, जहां आवश्यकता पड़ेगी मुझे वाईवाई दीजिए, नाम दीजिए, मुझे बिना कहे, मैंने आवश्यकता नहीं मुझे कहो, मैं तो बिना कहे हर बेरोजगार की पीड़ा में शामिल हो जाता हूं, उनको खुशियां देने की कोशिश करता हूं, और जो भी अपडेट होगा मैं लगातार दूंगा। मैं खुद जो अरुण शर्मा जी हैं डीएस हैं एआर में, उनसे मैं खुद मिल के आया हूं, अच्छी मेरी बात हुई है, और सेक्रेटरी साहब हैं, तो लगातार पूरा प्रयास करने के बाद ये परिणाम निकला है, आदेश जारी होगा, उसके बाद मीटिंग होगी, मीटिंग में तय हो जाएगा और दस्तावेज सत्यापन के आदेश हो जाएंगे। जहां तक मेरी कोशिश होगी जल्द से जल्द आपके आदेश करवाने की मैं पूरी कोशिश करूं, जहां सहयोग होगा मैं करूंगा। हालांकि आप सब एलडीसी भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ लोग हैं कि इस भर्ती को लेकर श्रेय लेना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, जहां आवश्यकता मेरे काम क्योंकि मैं करूंगा, जहां सहयोग मैं करूंगा, मुझे कोई श्रेय नहीं दिए, आप सब काम होने के बाद जो श्रेय ले रहे हैं उनको माला पहनाना, अब मिठाई भी खिलाना, उनको बोलना धन्यवाद, क्योंकि आप किसी को बुरा मत बनाना, क्योंकि कुछ लोगों को चाहिए वाई वाई, मुझे वाई वाई नहीं चाहिए, मुझे तो आपके जो माता पिता है, मेरे माता पिता के समान मुझे उनके आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे लिए वो भी वाई वाई है, आपके जो आंसू है खुशी के रूप में बदल रहे हैं, आपका परिवार और आपके सबके सपने साकार है, वो मेरी खुशी है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो लोग आपको भ्रमित करें उनकी बातों में नहीं आए, ज्यादा जानकारी चाहिए मेरे से डायरेक्ट आके मेरे ऑफिस में मिले, जिससे आपको पता चलेगा किस प्रकार कैसे काम हो रहा है, और आपके सामने हर चीज अवगत करूंगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड का मामला था, जिसकी परीक्षा तिथि को लेकर इसमें 4-5 लाख तो वो है जो लोग तैयारी 1.5 साल से कर, वो कह रहे हैं मुझे मत बढ़ नहीं बढ़नी चाहिए, कुछ कह रहे हैं बढ़नी चाहिए, आगे तारीख होनी चाहिए, लेकिन मैं किसकी बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है दोस्तों जो सिस्टम है, मैं यहाँ सबसे बड़ी लापरवाही आरपीसी की मानता हूँ, उन्होंने फॉर्म भरवाया पैसे लिए, तो उनको मना कर देना चाहिए। अब दूसरों लड़ा जो 1.5 साल से तैयारी करे उनकी भी गलती नहीं है, अब जिनसे फॉरम और पैसे उनकी भी गलती, ये आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं और लड़ाकर बेरोजगारों में गुटबाजी करवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों इसमें मैंने दो चीज, मुझे पता है कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, फिर भी मुझे गाली सुनने को मिल रही है। हालांकि मैं एक चीज बता दूं, कुछ दिनों से मैं घर भी आराम कर रहा हूं, एक दिन जरूर सचिवालय जाके आया था, मेरी तकलीफ अभी दूर नहीं है, मुझे इन्फेक्शन है अभी प्रॉब्लम है, फिर भी वीडियो मैं घर से बनाता हूं,
फिर भी मैं एक दिन सचिवालय जाके आया था, दो दिन जो एलडीसी 2018 का मामला था, और भी मामले थे, मैं खुद जाके आया था, इसलिए कि वहां से मेरे पास काफी कॉल और मैसेज आ रहे थे। और कोशिश करूंगा फिर जाऊंगा, मेरी तबियत फिर सही नहीं होने के बावजूद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और भाग दौड़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं पूरा सही नहीं हूँ। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक आवाज उठानी, मैं हर बेरोजगार का साथ दूंगा। जो रीट लेवल 2 के भी अभ्यर्थी हैं, एनएम भर्ती 2013 की जो बहनें हैं, उनको अशोक जी और प्रमोद जी और विजय पाल जी को, उनको पूरी समझ पूरी चीजें मैंने अवगत करवा दिया, कैसे क्या करना है उनको बता दिएगा। रीट लेवल 2 के लिए भी मैंने मैसेज छोड़ दिया है, कब क्या कैसे करना है वो भी बता दिया। और एलडीसी पंचायत राज के अभ्यर्थी जो आए थे उनका भी मैं धरने में गया, उनका समर्थन किया, उनकी जो पूरी टीम है, हरकेश है, अनिल है और भी सारे रावत जी, वो मेरे पास है, उनको पूरी विस्तृत जानकारी बता दी। हम पूरी प्लानिंग और सही रणनीति से काम करें और वो सबके सामने होगा। मैं अनशन के बाद चुप नहीं बैठा हूं, रणनीति और प्लानिंग तैयार है, कोशिश पूरी ताकत लगाऊंगा। दोस्तों एक भारी राज्य का कोटा कम करने के मामले में आपको मैंने पहले भी करवाया था कि बताया था कि सीओओ से वो फाइल जो लेटर है डिस्पेच कार्य विभाग में भेज दिया गया था कि इस पे परीक्षण करवाया जाए, अन्य राज्य और आरटीसी अधीन रूट से इसकी टिप्पणी ली जाए। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या ब्यूरोक्रेसी बार की है, क्या वो कोऑपरेट करेगी, क्या ऐसे सरकार को लागू करने में सहयोग करेगी, वो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी पता नहीं चलेगा। लेकिन भारी राज्य को कोटा कम करने को लेकर लगातार मैंने प्रयास किया, हर राज्य की पॉलिसी ढूंढी है, 21 से ज्यादा राज्यों की पॉलिसी ढूंढी है, सरकार तक पूछा है, पूरा प्रयास कर रहा हूं। लेकिन मुझे राजस्थान के बेरोजगारों से अपेक्षा थी इसमें पूरा सहयोग करें, क्योंकि दोस्तों आज इतने प्रदेश के बेरोजगार को नुकसान हो रहा है, भारत राज्य के अभ्यर्थियों को मौका इतना मिल रहा है, राजस्थान के अभ्यर्थियों को हक मारा जा रहा है। और विषय और जो लंबित भर्तियां हो, नई भर्तियां निकाली जाए, इस संबंध में वीडियो आपको डाल ही दिया था, नई भर्तियों के बारे में आपको बताई दिया था, लंबित भर्तियों के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, भारत राज्य वाला आपको हमने बताई दिया, जहां हर बेरोजगार के पक्ष में जितना सहयोग होगा मैं करूंगा और आपके साथ पहले भी था, आगे करूंगा। जय हिंद, जय भारत।